दिन है 12 फरवरी 2022। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे दो राहें पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी राह चुने। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्माइल विद तपस्या व्लॉग। वैसे तो वीडियो की टाइटल और थंबनेल ने आपसे सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी जानिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज ड्रॉर में कपड़े रखते वक्त मेरी नज़र इस टी शर्ट पर पड़ी। ये टी शर्ट SBI एम्प्लॉयज़ को मैराथन के लिए दी गई थी। खुद को SBI का एम्प्लॉय बताते हुए जिस गर्व की अनुभूति मुझे हुआ करती थी, शायद अब मैं उसे दोबारा ना महसूस कर पाऊंगी। इस आई कार्ड को अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में पंच करके शायद मैं दोबारा ना जा पाऊंगी। SBI के नाम से जो पहचान मुझे मिली थी, शायद मैं कभी भुला ना पाऊंगी। क्यों, आखिर क्यों? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे ज़रूरत थी एक ग्लास पानी की, टिश्यू पेपर्स की और बहुत सारी हिम्मत की। हो नहीं पाएगा मुझसे ये आज, बड़ा मुश्किल है ये करना, लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगी। कहते हैं ताज़ी हवा में विचरण करने से दिमाग शांत होता है और आपको नई ऊर्जा मिलती है। बस यही सोचकर मैं भी एक लॉन्ग वॉक के लिए चली गई और वापस आई तो खूब सारे शब्दों के साथ, जिन्हें तुरंत ही मैंने पंक्तियों में पिरो लिया। ये पंक्तियाँ मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे चेहरे की मंद मंद मुस्कुराहट शायद आपको ये बता रही है कि इन पंक्तियों में मैंने अपना 10 साल पुराना जीवन फिर से जी लिया। उम्मीद करती हूँ अपनी बैंक की 10 साल की जर्नी को आपके सामने सिर्फ कुछ मिनटों में पेश कर पाऊँ। अच्छा खासा MBA कर रही थी, पापा ने कहा बैंक की वैकेंसी आई है, भर दे। खुद ही फॉर्म लाकर भरा उन्होंने और एग्जाम दिलाने भी लेकर गए। गलती से एग्जाम तो क्लियर हो ही गया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए हम। बस फिर क्या था, रेगुलर MBA को पार्ट टाइम MBA में कन्वर्ट कर दिया और SBI की तरफ चल दिए हम। बहुत नाम हुआ था हमारा कॉलेज में भी और रिश्तेदारी में भी। हम भी बहुत खुश थे, सरकारी नौकरी जो लग गई थी हमारी, अब तो सोच लिए थे हम कि पक्का जाएंगे कन्याकुमारी। हमें भी बैंक की नौकरी में मजा आने लगा और कस्टमर्स को भी हम अच्छे लगने लगे। जब सब मैम मैम करके बुलाते थे तो सच में हम शर्मा जाते थे। बगल में ही पुराना स्कूल भी था हमारा, टीचर और बच्चे सब हमको देखकर खुश होते थे। बड़े होकर दीदी जैसा बनना, दीदी जैसा बनना, ये कहकर टीचर्स बच्चों को सीख देते थे। बस इसी तरह बीत गए कुछ साल। सफेद घोड़े पे बैठ के आया एक राजकुमार जो हमें ले गया देहरादून से बाहर। अब हमारी दिल्ली के हेड ऑफिस में पोस्टिंग हो गई थी। हमारे खुश मिजाज अंदाज के साथ साथ हमारी मिमिक्री की भी खूब तारीफ हो रही थी। क्या दिन थे वो, हमने खूब एंजॉय किया। तभी 2016 में मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया और पूरी सृष्टि को त्राही माम किया। हम भी मौजूद थे वहाँ, पब्लिक की सेवा कर रहे थे। अरे 500 का नोट हमने भी तो बांटा था कस्टमर्स में। अपनी वीडियो टीवी पर देखकर हम खूब खुश हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारा बेटा भी बड़ा हो रहा था। पर तभी 2019 में कनाडा आने का प्लान बन गया। हमने भी 2 साल की सबैटिकल लीव लेकर अपना बैग पैक किया। सोचा था कनाडा में लंबे समय के लिए रहना है या नहीं, ये 2 साल में समझ आ ही जाएगा।
पर किसे पता था पीछे पीछे ये कोविड भी चला आएगा। 2 साल बीत गए पर ना कोविड गया और ना हम समझ पाए कि क्या करना है। लेकिन अब फैसला तो लेना है, इंडिया में सरकारी नौकरी को ज्वाइन करना है या कनाडा में रहकर अभी और संघर्ष करना है। दिन रात बस इसी चिंता में निकलता जा रहा था और बैंक ज्वाइन करने का दिन नजदीक आ रहा था। फिर दिल पे पत्थर रख के हमने ये फैसला किया कि बहुत हो गई नौकरी, अब अपना आगे का जीवन हमने अपने परिवार के नाम किया। जानती हूँ आगे का सफर आसान ना होगा, परदेश में रहकर अपनी पहचान बनाना भी आसान ना होगा, पर अगर यूं ही साथ मिलता रहा आप सबका तो एक दिन जमीन के साथ साथ ये आसमान भी हमारा होगा। आज का ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं था, यूं कह लीजिए कि आज मैंने अपना दिल निकालकर आपके सामने रख दिया है। अपने मन में जो इतने वक्त से चल रहा था आज वो आपसे शेयर कर लिया है, और करती भी क्यों ना, आप सब मेरी फैमिली ही तो हो। अच्छा है आप मुझे जान गए, आप मुझे पहचान गए। आई होप इस वीडियो ने आपको इमोशनल नहीं किया होगा, क्योंकि मैं तो इमोशनल ऑब्वियसली हो ही रही हूँ इस वीडियो को सुनाते हुए। लेकिन लेकिन ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आज यही एंड करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।